लोग पहुंच चुके हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने में। ये देखो हम लोग आ चुके हैं बड़ा दांडो में होटल से। देखिए ये पूरा होटल से इस लाइन पे लगातार जो है आपको होटल ही होटल मिलेंगे। और ये देखिए ये आ गए हम लोग पुरी के बस स्टैंड में। ये है आपका पुरी बस स्टैंड और ये है पुरी रेलवे स्टेशन देखिए। और ये देखिए ये आपका शुरू हो गया प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दरबार का माहौल। ये है पुरी का फेमस गोल्डन बीच। और ये जो सामने आपको मंदिर नज़र आ रही है ये है माँ गुंडीचा का मंदिर। हेलो नमस्ते नमस्कार राम राम जय जोहार जय जगन्नाथ। तो गाइस पुरी में एक और दिन आप सभी को स्वागत है। तो सुबह सुबह गए थे हम लोग प्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने और जगन्नाथ जी का दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं पूरी सिटी को एक्सप्लोर करने। मतलब आपको दिखाने वाले हैं रेलवे स्टेशन बस स्टेशन और उसके आसपास में आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है क्या चीज़ें नहीं मिलने वाली है सारी चीज़ें बताएंगे। और साथ ही साथ अगर आप बाहर से आते हैं तो यहाँ पे होटल वगैरह का सुविधा आपको किस तरफ ज़्यादा अच्छा मिलेगा क्या सभी चीज़ें रहेंगी इस पूरी सिटी में। और साथ ही साथ हम आपको इस ब्लॉग में भी जगन्नाथ जी का मंदिर दिखाने वाले हैं तो पूरा फुल सिटी आपको एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और चलिए ये जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो व्लॉग है ये हम शुरू कर रहे हैं पुरी के रेलवे स्टेशन से। और ये है पुरी रेलवे स्टेशन देखिए। और अभी हो रहा है समय 1:27 और ये पूरा पार्किंग है पुरी का। और इसकी टिकट काउंटर ये सामने है आपको बाहर ही मिल जाएगा टिकट काउंटर। और एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है मतलब यहाँ के ट्रेन ख़त्म ही हो जाती है। ये देखिए तो यहाँ आसपास में जो है आपको लॉज मिल जाएंगे लेकिन उतना ख़ास नहीं। और आपको अच्छी खासी होटल चाहिए तो आपको जाना होगा बीच एरिया में जहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे अच्छी खासी। ये देखिए और ये रेलवे स्टेशन के किनारे छोटे छोटे ऐसे ठपरी टाइप के मिलेंगे जिसमें आपको नाश्ता चाय पानी खाना भी तक मिल जाएंगे। ये देखिए ये है रेलवे स्टेशन का एरिया। तो यहाँ पे आपको होटल की सुविधा उतना खास नहीं मिलेगी। अगर आपको होटल चाहिए रहेगा तो आपको बीच एरिया पे जाना पड़ेगा क्योंकि पुरी का जितना भी होटल है ना वो आपको बीच एरिया में मिलेगा या तो बड़ा गांडा में मिलेगा जहाँ पे प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। और इस तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं और ऐसे ना पूरा आपको सिटी घुमाएंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर क्या मिलता है। ये देखिए और यहाँ से आपको ईजीली जो है सिटी बस मिल जाएंगे चाहे आप मंदिर के लिए जाएंगे या तो बीच के लिए दोनों के लिए आपको सिटी बस में जाएंगे या तो आप प्राइवेट ऑटो करके साथ जा सकते हैं। और ऐसे शेयरिंग ऑटो भी चलता है दोनों के लिए मतलब बीच भी जाएंगे शेयरिंग ऑटो से और मंदिर भी जा सकते हैं। और यहाँ से मंदिर अराउंड आपको 2 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा और सी बीच भी लगभग वही 2-2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ने वाला है। ये देखिए ये आ गए हम लोग पूरी मार्केट में। और जो पुरी का मेन मार्केट है ना वो आपको बीच साइड पे मिलेगा उधर भी आपको ले चलेंगे। और ये साइड के तरफ ये सीधे की तरफ से हम लोग ग्रैंड रोड जो बड़ा दांडा है वो चलेंगे। ये देखिए और पीछे की तरफ है आपका बीच। ये देखिए आर्म पुलिस रिजर्व ये सामने में और इस तरफ है आपका रिलायंस डिजिटल का सुपर मार्केट है। ये देखो तो अभी हम लोग जा रहे हैं बड़ा दांडा वहीं पर हमें बस स्टैंड भी मिलेगा और हम जो है बस स्टैंड के आसपास भी दिखाने वाले हैं। ये सैमसंग का स्टोर है ये देखिए। तो मैं आपको बस ओवरव्यू कराने वाला हूँ क्योंकि जिस दिन हम लोग आए थे ना पुरी के लिए तो हमें होटल के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। तो हमारे वीडियो के थ्रू अगर कोई भी आते हैं तो उनको जो है तकलीफ़ ना हो। ये देखिए ये देखो हम लोग आ चुके हैं बड़ा दांडो में। और लेफ्ट की तरफ है आपका प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है और राइट की तरफ है आपका बस स्टैंड। तो पहले जो है हम लोग राइट की तरफ से आएंगे इधर जाएंगे। तो ये वही रास्ता है जहाँ प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलती है गुंडीचा मंदिर के लिए। प्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र और माँ सुभद्रा का रथ यात्रा जो है इसी रथ पर निकलते हैं इसलिए ये जो जगह है इसको बड़ा दांडो कहते हैं। देखिए और ये जो ब्लू बस है ना ये है पुरी का सिटी बस। ये जो है सिटी बस है पुरी का।
ये देखिए, ये देखो, ये भी पोर्टेबल जो है ट्रैफिक सिस्टम है, इसको जो है हटा सकते हैं, चक्के वक्के लगे हैं। और ये देखिए, ये है, अभी हम लोग गुजर रहे हैं बड़ा दांडो से, देख रहे हो, ये पूरा बड़ा दांडो का मार्केट है। और जितने भी आपको गाड़ियाँ ये नज़र आ रही है ना, ये आधे से ज़्यादा हैं जो हैं टूरिस्ट वाली गाड़ी है। ये देखिए, ये देखिए, इधर पूरा जो है आपका फ्रूट्स मार्केट है, सब्जी भाजी मार्केट है। देखिए, ये बड़ा दांडो में ही है, देखो आलू, ये नारियल, ये देखो सब्जियां उतर रही है गाड़ी से, इधर फ्रूट्स ही फ्रूट्स है। देखिए, ये पूरा मार्केट है आपका पूरी का। तो अगर आप पूरी आते हैं ना, तो यहाँ से आप गाड़ी रेंट कर सकते हैं और यहीं पूरा आपको वो जगह घुमा देगा। टूरिस्ट पैकेज उनका रहता है अलग से, तो वो उस पैकेज हिसाब से वो पूरा पूरी शहर आपको घुमाएंगे। बीच है, ब्लू फ्लैग ब्रिज है, गोल्डन ब्रिज है, पूरी बीच है, वो सारी जगह जो है वो घुमाएंगे आपको। और ये देखिए, ये आ गए हम लोग पूरी के बस स्टैंड में, ये है आपका पूरी बस स्टैंड। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला है, ये है आपका सिटी बस है। और यहाँ से पूरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, देखिए श्री मंदिर के लिए है बस स्टैंड। और ये जो सामने आपको मंदिर नज़र आ रही है, ये है माँ गुंडीचा का मंदिर। ये देखिए, ये है गुंडीचा माँ का मंदिर। तो यही जो है प्रभु श्री जगन्नाथ जी रात आता है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने यू टर्न लिया है और फिर से हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देखिए, गुंडीचा मंदिर के सामने में। तो ये मंदिर जो है बंद है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो आप सिर्फ बाहर से जो है दर्शन कर पाओगे मंदिर का। ये देखो, ये है पूरा गुंडीचा मंदिर। और प्रभु जगन्नाथ जी जो है रथ यात्रा के समय यहीं आते हैं। ये है पूरी बस स्टैंड, भुवनेश्वर, कोणार्क, कटक, इवन आपका कोलकाता रोड का भी यहाँ पे बस चलता है। ये देखिए, वेस्ट बंगाल का भी काफ़ी सारे बसेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और एक बार फिर से हैं हम लोग बड़ा दांडो में। देखिए, तो ये है पूरी बड़ा दांडो का मेडिकल स्क्वायर। और रेलवे स्टेशन से हम लोग इधर से आए थे, राइट लिए थे बस स्टैंड के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं श्री मंदिर, प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर। ये देखिए, तो इधर जो है फोर व्हीलर जो कार हैं उनको एंट्री जो है मना है। और देखिए, ये है पेट्रोल पंप, जो इस एरिया में एक ही मात्र पेट्रोल पंप है। ये देखिए, ये पूरा मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ पे फूल के, आपको प्रसाद के, नारियल के और साज सजावट मूर्तियों के अलग अलग काफ़ी सारे दुकानें मिल जाएंगी। ये देखिए, तो अभी हम लोग मंदिर से अराउंड 2-2.5 किलोमीटर हैं और यहाँ पे माहौल आप देखिए कितना भीड़ है। और जैसे जैसे हम लोग मंदिर के करीब पहुँचेंगे, भीड़ वैसे ही मिलेंगी आपको। और इस तरफ जो लाइनें हैं वो पूरा होटल है। ये देखिए, ये भी आपका होटल है। ये देखिए, और वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मंदिर आपको नज़र आएगा। तो आज सुबह सुबह तो हमने दर्शन कर लिया है प्रभु श्री जगन्नाथ जी का, और उनका जो व्लॉग है, हमने कैसा एक्सपीरियंस किया मंदिर के अंदर और हमें क्या लगा, और जो इनको लेके जो बातें हैं वो सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हमें लगा, वो सब उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और ये देखिए, ये आपका शुरू हो गया आपका प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दरबार का माहौल। देखिए, इस तरफ आप देखिए, और यहाँ का ना खाजा फेमस है, तो हर जगह जो है आपको खाजा मिलेगा, वो भी अलग अलग वैरायटियाँ की, छोटे से लेके बड़े दुकानें खाजा से खाजा मिलेंगे उसमें आप। तो जैसे जैसे मंदिर के पास पहुँच रहे हैं, भीड़ भी आपको ऐसी मिलेगी। और ये देखिए, तो जब शाम के टाइम आओगे ना,
तो ये पूरा मतलब पैक रहता है यहाँ पे, और जितनी आसानी से अभी गाड़ियाँ चल रही है उतना आसान नहीं होता है। देखिए, और यहाँ पे छोटी बड़ी आपको काफ़ी सारी मंदिर मिलेगी। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। ये देखिए, तो ऑलमोस्ट हम लोग जो है पहुँचने वाले हैं मंदिर के पास, और मंदिर के आसपास का एरिया आप देखिए। ये देखिए यहाँ पे होटल, तो मंदिर के आसपास आपको होटल के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। बस जो है ना, ये ध्यान रखना कि पहले से बुकड ज़्यादा रहते हैं इधर के जो होटल हैं, और अभी सीजन टाइम है तो ऑलमोस्ट जो होटल है ना वो बुकड हैं, और ऐसे होटल्स मिल रहे हैं जहाँ की हालत ही ख़राब है। ये देखिए इस तरफ भी होटल है, देखिए इस तरफ भी होटल है, इस तरफ भी होटल है, होटल ही होटल इस लाइन पे पूरा। ये देखो यहाँ पे भी खाजा मिल रहा है। ये देखिए, तो छोटे से छोटे और बड़ों से बड़े दुकान, सिर्फ खाजा के भी बड़े से बड़े दुकान आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के हम लोग काफ़ी करीब हैं, और ये है पूरा जो मार्केट। यहाँ पे प्रसाद से लेके हर एक आइटम, कपड़ा, चप्पल, जूते, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने में। ये देखिए, तो यहाँ से होती है एंट्री, और यहाँ पे जो है आपको, तो ये देखिए ये है प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये देखिए, और आज सवेरे सवेरे ही हमने प्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया है। और यहाँ पे एंट्री के लिए आपको सबसे पहले जो है जूता चप्पल निकालने पड़ते हैं। उसके लिए जो है आपको दुकानें भी मिलेंगी जो स्पेशल आपके चप्पल, जूते, बैग्स वगैरह रखेंगे, या तो यहाँ पे फ्री सेवा भी है जो कि इस तरफ आपको मिलेंगे। ये देखिए इधर है आपका फ्री सेवा, वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। और यहाँ से आप एंट्री लेंगे मंदिर के लिए, यहाँ से जाएंगे, सामने आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, फिर जो है आपकी मंदिर के लिए एंट्री होती है। और जो पश्चिम द्वार है वो इस तरफ है, इस तरफ से एग्ज़िट होती है आपकी। और ये देखिए पूरा स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, और पूरा हाथ पकड़ के देखिए, और आप यहाँ पे देखिए ये माहौल, और ये देखो होटल्स, ये होटल जो है आपको मंदिर के सामने ही मिल जाएंगे। तो ये सारे होटल मिल जाते हैं ना, तो आप सुबह शाम प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक बार आप देखिए ये जगह, और ये पीछे का इलाका मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो आपको सिटी बस के लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप आते हैं ट्रेन के थ्रू में या बस के थ्रू में, तो मंदिर और बीच आप आसानी से जा सकते हैं सिटी बस के थ्रू पे। ये देखिए लोग बैग वैग लेके आए हैं, पूरा ऑटो बैग से भरा हुआ है। देखिए, तो अभी जो है हम लोग बोड़ादांडा छोड़ के अंदर शहर की तरफ जा रहे हैं, और शहर की तरफ का भी हल्का फुल्का जो नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं, और क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको शहर में देखने को मिलेंगी वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए विशाल मेगा मार्ट, तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाली सिटी है, और मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम पूरी सिटी को इतना विज़िट कर रहा हूँ। ये देखिए, मतलब जब भी आए हैं ना, तो हम लोग या तो मंदिर गए हैं या तो डायरेक्ट बीच गए हैं, सिटी में कभी विज़िट नहीं किए हैं, और फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिल रहा है कि सिटी जो है इतना अच्छे से विज़िट कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, तो अभी जो है हम लोग गुजर रहे हैं पुरी के फायर स्टेशन, या कहे तो VIP रोड से। ये देखिए, और बड़ादांडा को छोड़ के हम लोग आ चुके हैं पूरी शहर के अंदर में। वैसे तो बड़ादांडा भी पूरी शहर के अंदर आता है, बट ये वाला इंटीरियर जगह ना, मतलब इस तरफ का अंदर का शहर
काफ़ी कम लोग विजिट करते हैं, क्योंकि कोई आता है रेलवे स्टेशन से तो सीधा पूरी भी इसके लिए चले जाता है, या तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर चले जाते हैं। और बस स्टेशन से आते हैं तो सीधा जो है आपका जगन्नाथ जी का मंदिर पड़ता है, वहीं से आपका बीच पड़ जाता है। तो इस तरफ का जो जगह है ना वो बहुत कम लोग घूम पाते हैं। तो आज वीडियो के थ्रू मैं आपको भी घुमा देते हैं कि पुरी का अंदर का जो शहर है वो किस तरीके का है। ये देखिए VIP प्लाजा, ये भी होटल ही है। ये देखिए, और ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति, देखिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने तरीके से जो है पूरी को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे ना तो ब्लू फ्लैग बीच है पूरी का, ये देखिए। और इसके सामने ही आपका पड़ता है गोल्डन बीच, और पीछे साइड पड़ता है पूरी बीच। तो यहाँ पे तीन बीच है, एक तो हो गया आपका पूरी बीच, और दूसरा हो गया गोल्डन बीच, और तीसरा हो गया ब्लू फ्लैग बीच। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं गोल्डन बीच की तरफ, जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अपने तक और खींचती है। ये देखिए इधर भी आपको सिटी बस मिल जाएंगे। ये देखिए इधर है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्ट्रेट, ये पूरी का कलेक्ट्रेट ऑफिस है। ये ट्रेजरी है पूरी का, तो इधर जो है गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं। ये देखो ये आ गए हम लोग पूरी VIP रोड में फिर से। तो ये आ गए हम लोग गोल्डन बीच एरिया में, वो सामने का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है वो है बीच एरिया। ये देखिए जैसे बीच एरिया में पहुँचे ना, भीड़ भाड़ यहाँ पे शुरू हो गई है, देख रहे हो। ये देखिए, और ये हम लोग पहुँच गए। ये देखिए ये है आपका गोल्डन बीच, और यहाँ का माहौल आपको दिखाते हैं। देखिए क्या माहौल है गोल्डन बीच का। और ये सामने ही उसके होटल्स हैं, देखिए ये पूरा होटल्स है। इस लाइन पे लगातार जो है आपको होटल ही होटल मिलेंगे। ये देखो लोग देख रहे हो बीच पे, भाई साहब देखिए क्या मस्त नहा रहे हैं लोग, देखिए। और अभी दोपहर के लगभग एक डेढ़ के आसपास हो रहा है, देखिए माहौल देखिए। और इस तरफ ना पूरा होटल ही होटल है, ये देखिए। और जो सी फेसिंग होटल्स हैं उनके जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। रात में हमने काफ़ी ज़्यादा होटल्स के लिए यहाँ पे राउंड लगाए हैं, चक्कर लगाए हैं। और सी फेसिंग में जो है आपको थोड़ा सा प्राइस महंगा रहेगा, और थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको नॉर्मल प्राइस पे मिल जाएंगे। नॉर्मल तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा हाई प्राइस पे ही मिलेगा, बट एज कंपेयर ये सी फेसिंग वाले से आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे, और अच्छे खासे होटल्स मिलेंगे। और पीछे तरफ है इसके अंदर वाले होटल्स लाइन है ना, उधर भी आपको ले चलेंगे, उधर भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ आपको होटल्स वगैरह मिल सकते हैं। ये देखिए ये है पूरी का फेमस गोल्डन बीच, देखिए। और आज वेदर भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सारे लोग नहा भी रहे हैं मस्त, देखिए जिधर जिधर जाएगा नज़र उधर लोग पाएंगे आप, ये देखो। और यहाँ पे ना शाम को इवनिंग मार्केट भी लगती है बीच के अंदर में, ये एरिया आप देख पा रहे हैं इधर जो है मार्केट लगती है, तो उसका भी वीडियोज़ आने वाले हैं इवनिंग मार्केट का। और इधर देखिए ये पूरा होटल लाइन है आपका पूरी का। तो इधर जो है आपको एक से बढ़कर एक होटल मिलेंगे। एक तो आप बड़ा दांडा में रह सकते हैं जहाँ प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, दूसरा यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छी खासी होटल मिल जाएंगी। और अच्छी खासी नहीं भाई, होटल की भरमार है। और ये जो रूट आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ से आप सीधा जो है आप श्री जगन्नाथ मंदिर तक जा सकते हैं, यहाँ से एक डेढ़ किलोमीटर में ही है। देखिए पूरा इधर दुकानें लगी हुई है,
ये पूरा होटल लाइन है, इस तरह पूरा मार्केटें लगी हुई हैं। ये देखिए इधर पूरा मार्केट है। ये है पूरी का लाइट हाउस। अब चलते हैं अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ का जो लाइन है वो आपको दिखाते हैं। और इधर भी पूरा ना होटल ही होटल है, तो एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया हो। और जो सी फेसिंग होता है ना वो काफ़ी महंगा होता है यार, मतलब अफोर्डेबल ही नहीं होता है, समझ के चलो 3-3.5 हज़ार। और जिनके लिए अफोर्डेबल है वो तो ठीक है, और जो लो प्राइस में रहना चाहते हैं ना उनके लिए ये अंदर का गली ठीक है। इस तरफ जो है आपको कम रेट में होटल मिल जाएंगे। ये देखिए इधर जो है आपको 2000-1800 ऐसे कुछ में होटल मिल जाएंगे, 1200 में भी, इवन 1200-1000 में भी मिलेंगे यार। ये देखिए इधर अंदर तरफ भी है होटल्स। ये देखिए, तो जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते जाओगे ना आपका रेट जो है गिरता जाएगा। जैसे सी फेसिंग में लोगे तो 4000-5000-6000, और थोड़ा सा अंदर आ जाओगे 2000-2500 में, उससे थोड़ा सा अंदर जाओगे तो आपको जो है 1200-1500-1000 रुपये इस तरीके से मिल जाएंगे। और ओयो गो वीवो ये सब मैं प्रीफर नहीं करता, क्योंकि उसमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, इसलिए जो है पहले होटल विजिट कर लो उसके बाद ही जो है आप बुक करो। ये पूरा जो लाइन है ना ये होटल का ही लाइन है आपका। ये देखो यहाँ पे आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। ये देखिए, और ऐसे ठेले टाइप के छोटे छोटे दुकान भी है जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हैं। ये देखिए ये सब शाम को ओपन हो जाएंगे, ये सब खाने का होटल है। ये देखिए इधर भी आपका होटल है। ये है हम लोग पूरी के गलियों में कहे या मार्केट एरिया में। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आपको रोटी चावल सब्जी सब मिल जाएंगे। ये हम लोग मार्केट एरिया में एंटर कर रहे हैं ना, इसलिए जो है आपको भीड़ नज़र आएगा। ये देखिए ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के पास। तो आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं, गोल्डन बीच के रास्ते से। तो इधर से हमारे आने का रीज़न ये है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इधर से जा सकते हैं कि नहीं। ये देखिए इधर भी पूरा खाजा ही खाजा है भाई, देख के लालच ही आ जा रहा है क्योंकि खुशबू इतना ज़बरदस्त आ रहा है ना। ये देखो ये है मंदिर के सामने का, और ये है आपका मंदिर, प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मंदिर। ये देखिए, और ये है इस तरफ से एंट्री गेट। तो आपको जो है चारों तरफ से एंट्री मिल जाएगा प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए। और यहाँ पे देखिए आप कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये है आपका प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मंदिर। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के पास। ये देखिए, तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप गोल्डन बीच के थ्रू आ सकते हैं, और दूसरा जो है आप इस तरफ से बड़ा दांडा के होते हुए आ सकते हैं। और ये है यहाँ से आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे आपके गेट की चेकिंग होती है, और ये है मंदिर का प्रांगण जहाँ से आपकी एंट्री होगी। और इस तरफ है मंदिर का किचन है, और इस तरफ लगती है मंदिर के अंदर बाज़ार जहाँ पर आपको भोग मिल जाएंगे, और जो खाना बनता है मंदिर के अंदर में वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये है पूरा मंदिर का एरिया आप देख सकते हैं। और ये देखिए, तो चलो